Welcome students, today we will discuss our chapter number 6, multiplication. You all know what is multiplication? Multiplication is repeated addition. We read tables in multiplication. The number to be multiplied is called the multiplicand and the number which by which we multiply is called the multiplier. Do number hote hain, ek to wo jise multiply karte hain aur dusra jisse multiply karte hain. To जिसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है हमारा मल्टीप्लायर और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है मल्टीप्लीकेंट और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट. जैसे एडिशन का आंसर होता है उसे सम बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस बोलते हैं, वैसे मल्टीप्लीकेशन के आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं. अंडरस्टूड? अब मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इस प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सपोज हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी. अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो आंसर मेरा ए और बी को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर मेरा बी और ए को भी मल्टीप्लाई करके आएगा. लाइक दे हैव गिवन 23, 25 इज़ 575. तो अगर वो इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मीन्स अगर वो 25 को 23 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यही होती है कि अगर हम दो नंबर्स की पोजीशन भी चेंज कर देंगे तब भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम आएगा अगर डिजिट्स सेम. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दिस प्रॉपर्टी सेज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. अगर हम तीन नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे तब भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम रहेगा अगर नंबर सेम है. लाइक दे हैव टेकन थ्री नंबर्स 15 × 7 × 5. पहले उन्होंने 7 और 5 को एक ग्रुप में लेके मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 525 आया. सेकेंड टाइम उन्होंने 15 और 7 को एक ग्रुप में लेके मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर सेम आया. ओके, सो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन. मीन्स जब भी हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे वन से वही नंबर आपका आंसर होता है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय जीरो द आंसर इज ऑलवेज जीरो. आप जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा जीरो ही रहेगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. इस प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ टू नंबर्स. मीन्स किसी भी नंबर का प्रोडक्ट किसी भी दो नंबर्स के सम से जब हम करते हैं तो आंसर हमेशा सेम होता है जब हम उन नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से. लाइक दे हैव गिवन यू 20 एक नंबर है. अगर हम उसको 10 और 15 के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20 × 10 और 15 का सम हो गया 25, 500 हमारा आंसर हो. तो वो कह रहे हैं अगर हम इस 20 को 10 से अलग और 15 से अलग करें और फिर उनके सम को ऐड उनके आंसर को ऐड करें तो भी हमारा आंसर सेम आए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 और 1000 एक्सेट्रा. To multiply a given number by 10, we simply write a zero to the right of a number. किसी भी number को अगर 10 से multiply करते हैं तो उस number के right side में हम zero add कर देते हैं. 10 में 10 होता है तो हम number में भी 10 add कर देंगे. Like 68 को 10 से करेंगे तो 10 में 10 है तो हम इस number के right में एक zero add कर देंगे. 100 से multiply करते हैं, 100 में वी हैव 2 zeros तो हम अपने number के right side में 2 zeros add कर देते हैं. 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 3 zeros इन 1000 तो हम अपने नंबर के राइट साइड में 3 zeros ऐड करते हैं. अंडरस्टूड?